स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा जब से लॉन्च हुआ है तब से दर्शक इस पर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। सीरियल को देखने वाले दर्शक इससे जुड़ी हर एक बात जानने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आते हैं। वेल, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस सीरियल के कलाकारों को एक एपिसोड के लिए कितनी सैलरी यानी कि फीस मिलती है। अनुपमा में निधि शाह किंजल की भूमिका अदा करती हैं। निधि शाह के किरदार को दर्शक बेहद ज्यादा पसंद करते हैं। निधि शाह इस सीरियल के एक एपिसोड के लिए 32,000 रुपए लेती हैं। तो वही तस्नीम शेख इस सीरियल में राखी दवे का किरदार निभाती हैं। राखी दवे किंजल की मां और अनुपमा वनराज की समधन हैं। तस्नीम के इस किरदार में कई शेड्स हैं। तस्नीम को एक एपिसोड के लिए 26,000 रुपए मिलते हैं। तो वही मदालसा शर्मा इस सीरियल में काव्या का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। इन दिनों मदालसा शर्मा वनराज यानी कि सुधांशु पांडे की पत्नी काव्या का किरदार निभा रही है और इस सीरियल में पर एपिसोड के लिए मदालसा शर्मा को 45,000 रुपए दिया जाता है। तो वही अनुपमा सीरियल में एक्टर आशीष मेहरोत्रा वनराज और अनुपमा के बड़े बेटे परितोष शाह का रोल निभाते हैं। एक एपिसोड के लिए आशीष मेहरोत्रा को 33,000 रुपए मिलते हैं। वही पारस कलनावत इस सीरियल में समर का रोल अदा करते हैं। समर अनुपमा और वनराज का छोटा बेटा है। पारस को एक एपिसोड के लिए कुल 35,000 रुपए मिलते हैं। सुधांशु पांडे सीरियल अनुपमा में वनराज का किरदार निभाते हैं जो कि अनुपमा का एक्स पति है। सुधांशु को इस सीरियल के एक एपिसोड के लिए 50,000 रुपए मिलते हैं। वे टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली इस सीरियल में अनुपमा का किरदार अदा करती हैं। सीरियल में रूपाली गांगुली लीड रोल प्ले कर रही हैं। टीवी सीरियल अनुपमा के एक एपिसोड के लिए रूपाली 60,000 रुपए वसूलती हैं। तो वही अंगा भोसले इस सीरियल में समर के लव इंटरेस्ट का रोल अदा करती हैं। एक एपिसोड के लिए अंगा को 26,000 रुपए मिलते हैं। जसवीर काफी दिनों से इस सीरियल में नजर आ रही हैं और इस सीरियल के एपिसोड के लिए वो 25,000 रुपए वसूलती है। वेल, जसवीर कौर इस सीरियल में अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड देविका का किरदार निभा रही हैं। वनराज की मां और अनुपमा की सास लीला शाह का रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस अल्पना बुज तो अपनी मौजूदगी से हर एपिसोड में चार चांद लगा ही देती है। अल्पना को हर एपिसोड के लिए 27,000 रुपए मिलते हैं। तो ये अनुपमा में जिग्नेश की भूमिका अदा करने वाले कलाकार शेखर शुक्ला को एक एपिसोड के लिए 25,000 रुपए मिलते हैं। सुधांशु पांडे और रूपाली गांगुली सरसीला अनुपमा में डॉली की भूमिका अदा करने वाली एक्ट्रेस एकता सरैया एक एपिसोड के लिए 25,000 रुपए सैलरी के रूप में लेती है। तो वही अरविंद वैद टीवी सीरियल अनुपमा में अवनराज के पिता और अनुपमा के ससुर का किरदार निभा रहे हैं। वेल, इस सीरियल में अरविंद एक एपिसोड के लिए 25,000 रुपए वसूलते हैं। टीवी सीरियल अनुपमा में मुस्कान वामने पाकी का रोल अदा करती हैं। पाकी वनराज और अनुपमा की छोटी बेटी है। मुस्कान को एक एपिसोड के लिए 27,000 रुपए मिलते हैं। तो वही दोस्तों, आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से इस शो में एक नए किरदार की एंट्री हुई है जिसका नाम है अनुज कपाड़िया। अनुज कपाड़िया किरदार टीवी एक्टर गौरव खन्ना निभा रहे हैं। गौरव खन्ना एक एपिसोड के लिए 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।